My name is Baljit Singh. I am from School of Automotive Skills in PSU. Most welcome to our new session, Try Your Skills. In this session, we are going to learn that how we have to drive for better performance of our vehicle. So let's come and have a look how we have to drive for a vehicle. So now, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ गया हूँ एंड आई हैव ए की. वी आर ड्राइविंग अ वॉक्सवैगन पोलो. सो कभी भी हमें जब की ड्राइविंग सीट में लगानी हो गाड़ी के अंदर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उस चीज़ को देख के फिर ड्राइविंग की कार की उसमें इंसर्ट करें, बिकॉज हर एक की के अंदर इमोबिलाइजर यूनिट होती है. अगर उस की को हम इरिस्पॉन्सिबल तरीके से बार बार लगाएंगे, तो चांसेस है कि इमोबिलाइजर यूनिट हमारी डैमेज हो जाए और हमारे की लॉक खराब हो जाए. तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए हमें की ध्यान से देख के लगानी है. देन वी आर गोइंग टू इग्नाइट आवर इंजन. हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, इग्निशन ऑन करना है. इग्निशन ऑन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पेट्रोल व्हीकल हो या डीजल व्हीकल हो, तो हमारा इंजन एक बार सारा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट वर्किंग में आ जाए. उसके बाद आफ्टर दैट हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारे सिस्टम्स हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हों. लाइक यू कैन सी हैव सो मेनी ऑफ सेंसर्स आर शोइंग ऑन द डैशबोर्ड, लाइक एयरबैग, ग्लास डोर, ईपीसी, बैटरी, पार्किंग एंड ट्रांसमिशन. सो सबसे पहले हमें पार्किंग लाइट और पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना है. इग्नाइट होने के 2 सेकंड के बाद हमें ये गाड़ी को सेल्फ देना है. एज वी कैन सी दैट द इंजन इज रनिंग ऑन एन आइडियल RPM. अब हमें पता है कि हम जैसी गाड़ी में बैठते हैं, तो गर्मी के अकॉर्डिंग हम अपनी गाड़ी का AC ऑन करते हैं. तो गाड़ी का AC ऑन करने से पहले हमें पीछे की रियर विंडोज को ओपन करना है, जिससे हमारी गाड़ी की इंटरनल साइड में जो भी एयर पैक्ड है वो एयर बाहर निकल जाए. AC ऑन करने से पहले हम सबसे पहले ब्लोअर ऑन करते हैं. ब्लोअर ऑन करने से जो भी गर्म हवा इंटरनली ऑलरेडी पैक्ड है, वो पैक एयर बाहर की तरफ चली जाती है. उसके बाद हमें AC ऑन करना चाहिए. अब आप अपनी रियर विंडोज को क्लोज कर सकते हैं. एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट हमेशा लगाएं, बिकॉज सो बहुत सारी गाड़ियों में अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, अगर हमारी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं लाइक एयरबैग्स दिया गया है, तो एयरबैग एक्टिवेट होने से पहले हमारी सीट बेल्ट लगी हुई होनी बहुत ज़रूरी है. अगर सीट बेल्ट लगी हुई नहीं होगी, तो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हमारे एयरबैग्स ओपन नहीं होंगे. ये फीचर्स हमारी सेफ्टी के लिए ही दिए जाते हैं. नाउ हमें गाड़ी की परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए पहले क्लच दबाना चाहिए. क्लच दबाने के बाद ही गियर को एक्चुएट करना चाहिए, मतलब गियर लगाना चाहिए. और जैसे ही हम रेस देते हैं, तो गियर और रेस धीरे धीरे करके छोड़नी चाहिए, जिससे हमारे गाड़ी का आइडियल RPM ज़्यादा ना हो. क्योंकि जितना ज़्यादा गाड़ी का आइडियल RPM होगा और RPM बढ़ता जाएगा, हमारा फ्यूल परफॉर्मेंस उतनी ही कम होती जाएगी. और जैसे जैसे मैं हायर RPM पे जाता हूँ और हायर गियर पे जाता हूँ, जैसे मेरी स्पीड अभी 20 किलोमीटर पर आर है और मेरा आइडियल RPM 15,000 है, तो मैं इस RPM को 1000 से 2000 के बीच में ही रखूंगा और गाड़ी की स्पीड को 60-80 की स्पीड तक ही लेके जाऊंगा, जिससे मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और इसका मेंटेनेंस भी कम आएगा. कुछ गाड़ियों में गियर इंडिकेटर लेवल्स पहले से दिए होते हैं कि हमें किस स्पीड पे कितना कौन सा गियर एक्चुएट करना है. हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी की ब्रेक जब भी लगाएं, तो हम गियर को सेकेंड या थर्ड गियर में शिफ्ट कर लें. गाड़ी चलाते वक्त हमें रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए. आप देख सकते हैं मैं मेरी गाड़ी को 1000 से 2000 RPM तक ही लेके जाऊंगा और मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. मुझे अपनी गाड़ी के RPM को कभी भी इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी के RPM जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, उतना ही मेरा फ्यूल एफिशिएंट कम होता जाएगा और इंजन परफॉर्मेंस भी डाउन रहेगी. मैं 1200 RPM पे गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी स्पीड अभी 40-50 की तरफ इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे मैं गाड़ी को चलाता जाऊंगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, बट RPM धीरे धीरे बढ़ेगा.
सो मेक श्योर जब भी गाड़ी चलाएं अपने आरपीएम को 1000 से 2000 आरपीएम के अंदर ही रखें। आरपीएम होता है अपने इंजन के फ्लाईव्हील की स्पीड, इंजन कितनी तेज चल रहा है। हमें इंजन को ज़्यादा लोड नहीं देना है बिकॉज ऑलरेडी हमने एसी चला रखा है। तो जैसे ही एसी चलाता हूँ, सपोज अगर मैं एसी नहीं चलाता हूँ तो इंजन के ऊपर 16% लोड आता है, और जैसे ही मैं एसी को रन करता हूँ तो एसी चलाते ही वो लोड डबल हो जाता है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि हम एसी को एक नंबर पे चलाएं या दो नंबर पे चलाएं तो उससे इंजन एफिशिएंसी और फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप एसी को एक नंबर पे चला रहे हो या दो नंबर पे, क्योंकि इंजन लोड सेम रहता है। आपके ये फैन बेल्ट जो आपके इंजन का एसी का फैन है वो बैटरी से कनेक्टेड होता है, और वो बैटरी आपके ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड होती है। तो इंजन का लोड ऑल्टरनेटर से कम एसी से ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी कम आएगी। हमेशा ध्यान रखें गाड़ी को रफ टफ ना चलाएं, और जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाते रहेंगे तो आपकी गाड़ी अच्छी मेंटेन रहेगी। कई बार हम गाड़ी को काफ़ी दिनों तक नहीं चलाते हैं, उससे हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम होती है बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट से मेटल वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा डेटोरिएट होता है। दिस इज़ आर यूनिवर्सिटी, यू कैन सी दिस इज आर आरयूजीसीटी ट्रस्ट, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर यूनिवर्सिटी। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आए प्लीज अपने गाड़ी को स्लो कर लें और सेकंड गियर में डाल लें, और उसके बाद दोबारा उसी प्रोसेस को फॉलोअप करें जिस तरह से अभी हमने आपको बताया गया है। इससे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रहेगी और गाड़ी की भी एफिशिएंट रहेगी। दिस विल इंक्रीज योर व्हीकल्स लाइफ। तो जैसा कि आपने देखा हमने गाड़ी को किस तरह से चलाया, हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम गाड़ी को जब भी चलाएं तो इसी तरीके से अपनी गाड़ी को रन करें। बिकॉज अगर हम रफ एंड टफ गाड़ी चलाते हैं हमारी गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है और गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी को हाफ क्लच में कभी ना चलाएं। अगर आप गाड़ी हाफ क्लच में चलाते हैं तो क्लच प्लेट का वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी गियर एक्चुएट करें क्लच को पूरा दबाएं, और जैसे ही गियर छोड़ें तो क्लच दबा के छोड़ें, और उसके साथ साथ अपनी गाड़ी की स्पीड को भी इंक्रीज करते रहें। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलनी चाहिए। अगर आप एक चीज़ को एकदम से छोड़ के रेस देंगे तो गाड़ी में एक जर्क सा महसूस होगा जिससे आपकी क्लच प्लेट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वियर एंड टियर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। So please keep follow it. Thank you so much.